हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए चाइनीज़ भेल की रेसिपी लेकर आई हूँ। भेल तो हर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो चलिए इसे आज घर पर ही बनाएंगे और इसके लिए हम इसका सॉस भी घर पर बनाएंगे, जिससे ये हमारा भेल जो है बहुत ज़्यादा ही चटपटा बनेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए हम नूडल्स को बॉयल करेंगे। नूडल्स बॉयल करने के लिए एक पैन में हम पानी को गर्म कर लेंगे। पानी जैसे थोड़ा गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, जिससे हमारे नूडल्स में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हक्का नूडल्स को यूज़ करेंगे। हक्का नूडल्स को जब हम बॉयल करेंगे, फ्राई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी होता है, इसलिए इसमें हक्का नूडल्स को ही यूज़ करें। अब हम इसे पानी में डालेंगे नूडल्स को और इसे बॉयल होने देंगे। इसे हम 80% तक ही पकाएंगे, जिससे हम इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुक हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे में चिपक जाएगा। अब हम इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे खूब अच्छे से, जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। और हम इसे अच्छे से वॉश करके इसे प्लेट में फैला करके फैन में सुखाएंगे। और तब तक हम इसके लिए सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1/2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल थोड़ा जैसे गर्म हो जाएगा, इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन दोनों को डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसमें पकाएंगे। इसे ऐसे ही थोड़ा देर तक पका लें। अब ये देखिए, अदरक लहसुन जो है इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबल स्पून टमाटो केचप को डालेंगे और इसे इसके साथ ही अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे, जिससे अदरक लहसुन टमाटो केचप का फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से आ जाएगा। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर को डालें और ऐसे ही उसे भी पका लें। अब इसकी कंसिस्टेंसी के लिए इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालेंगे और इसे इसके साथ ही मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और उसे भी थोड़ा सा इसके साथ ही मिलाते हुए मिक्स करेंगे और पका लेंगे। मेरा चाइनीज भेल का जो सॉस है वो रेडी है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और नूडल्स को फ्राई करेंगे। नूडल्स फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में मैंने हाई फ्लेम पर तेल को गर्म कर लिया है और अब इसे नूडल्स को डीप फ्राई करेंगे। नूडल्स को बहुत ही सावधानी से तेल में डालें, क्योंकि तेल जो है मेरा बहुत ज़्यादा गर्म है। नूडल्स को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पलट पलट के दोनों साइड से इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, नूडल जैसे जैसे फ्राई हो जाएगा, उसमें बबल्स जो हैं तेल में हमारे आने कम हो जाएंगे। ऐसे हम सारे नूडल्स को अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसको भेल बनाएंगे। नूडल्स को है आप 2 स्पेचुला ले लें, उसके हेल्प से आप अच्छे से इसे पलट पाएंगे। नूडल्स को बेसन में चलाते हुए इसे ऐसे ही फ्राई कर लें। अब मेरा नूडल्स जो है फ्राई हो गया है। ऐसे मेरे सारे नूडल्स जो है फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे साइड में रखेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं भेल बनाने
के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए भील बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक बाउल में नूडल्स को लेंगे और उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब इसमें स्लाइस में कटे हुए प्याज डालेंगे, स्लाइस में कटे हुए पत्ता गोभी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा स्लाइस में कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे। आप इसमें चाहे तो जो चीज़ आपको नहीं पसंद है आप उसे स्किप कर लें और इसमें रेडी किया हुआ सॉस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको और ज़्यादा तीखा पसंद है इसमें थोड़ा सा रेड चिली सॉस डालें और इसे इसके साथ ही अच्छे से ऐसे मिक्स कर लें। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चाइनीज भेल जो है कितना अच्छा लग रहा है देखने में, चटपटा भी है, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये भेल। आप इसे बहुत ही आसानी से और बहुत झटपट बना सकते हैं। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं एक बाउल में। अगर आपके घर में कोई भी मेहमान है तो आप भील को भील बनाने के लिए आप नूडल्स फ्राई करके साइड में रख लें, सब्जियां तैयार कर लें और सॉस, और जब भी कोई आए इसे फटाफट आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसके लिए दूसरे तरीके से चलिए भेल को बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में मैंने हाफ टेबल स्पून तेल डाला है और उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को डालेंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम कटी हुई सब्जियों को डालेंगे और उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, उसमें थोड़ा क्रंची रखना है, इसलिए उसे थोड़ा सा इसे पकाएंगे। ये देखिए सब्जियाँ जो हैं हल्का हल्का कुक हो गई हैं। अब इसमें उसमें रेडी किए हुए सॉस को डालेंगे और इसके साथ ही उसे भी मिक्स करेंगे। अब चलिए इसमें नूडल्स को डाल लेंगे और उसे भी इसके साथ ही अच्छे से मिक्स करेंगे और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए सब्जियों को और सॉस के साथ मिक्स करते हुए इसे पका लेंगे। देखिए मेरा ये भी भेल जो है रेडी हो गया है। अब चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये बाउल लेंगे और इसे इसमें सर्व करेंगे। प्लीज़ आप दोनों तरीके से भेल को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये भेल जो है दोनों तरीके से है बना के खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए, और मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।